सरपंच पति के द्वारा राशन पात्रता पर्ची बांटी गई। कलेक्टर शिवपुरी अक्षय कुमार के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत सावोली में आयोजित कार्यक्रम सरपंच पति कप्तान बाथम के द्वारा ग्रामीण जनों को राशन पात्रता पर्ची का वितरण किया गया। सरपंच पति ने कहा कि वृक्षारोपण और तालाबों की साफ सफाई भी हमारे द्वारा की जाती है, साथ ही ग्रामीण जनों को जो भी समस्या रहती है उनके प्रति हम हर दम खड़े होते हैं, जिससे उनको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, यही हमारी ग्रामीणों के प्रति विचारधाराएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई भी परिवार खाद्यान्न से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि अन्न उत्सव के तहत हितग्राहियों को न्यूनतम 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं, चावल, नमक और आदि का प्रदान किया जाएगा। 7 परिवारों को खाद्यान्न पर्ची देकर लाभान्वित किया गया। क्या नाम है आपको? लालचंद। कौन सी पंचायत है? सावाली पंचायत। आप पर्ची मिल गई? तो मिल गई। कौन ने वितरण की? सरपंच साहब ने। कोई रिश्वत वगैरह ली? नहीं, कुछ नहीं। खुश हो आप? तो खुश है। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिलेगा इनसे? बता रहे सरपंच साहब को, पूरी जितने पंचायत में आएंगे वो सब कुछ लाभ सरकार से आपको मिलेगा। तुमने काम किया था ना मनरेगा में? पंचायत में? पंचायत में राशन मिलेगा हमको, पालन पोषण करेंगे। धन्यवाद ऐसे सरपंच साहब को कि जिसने हमें हमारे परिवार के लिए लाभ दिया। सरपंच कौन है यहाँ पर? कप्तान बाथम। क्या नाम हुआ सर? कप्तान सिंह बाथम। किस पद पर है? सरपंच। कौन सी पंचायत पर? ग्राम पंचायत सागोली नरवर। हाँ नरवर, जनपद पंचायत नरवर। हाँ, क्या जी कार्यक्रम क्या हुआ था? पर्ची वगैरह बताएंगे जे खाद्यान्न पर्ची वितरण करी है इन लोगों ने। ये 7 लोग हैं, 7 लोगों ने ग्राम पंचायत में 100 दिन की मनरेगा में मजदूरी की। मजदूरी करने के बाद में इनका कर्मकार में पंजीयन करवाया कर्मकार मंडल में। कर्मकार मंडल में पंजीयन कराने के पश्चात में इनकी कहा खाद्यान्न पर्ची स्वीकृत करवाई फूड विभाग से। अब इनको 5 साल बराबर जो है खाद्यान्न मिलेगा। अगर बेटी की शादी करेंगे तो 51,000 रुपया शासन से जो बेटी की शादी के लिए मिलेंगे। पेंशन का लाभ मिलेगा इनको।